हैप्पी भैया दूज। मैं आ गई हूँ वापस अमृतसर, गोले का अन्न पराशन। मैं चोखी नहीं हूँ, मैं चोखा हूँ। हेलो जी, दिवाली खत्म, पार्टियां खत्म, बैक टू बैक बहुत पार्टियां थी। देखिए कैसे थक के बुरे हाल हो गए। सो फाइनली क्या हुआ गोले? गोले व्लॉग में बहुत खुश होता है। मैं भूल ही गई थी, आज भैया दूज भी है और एक ही भैया की बहन आई है, बाकी सब चली गई। ओ मेरे भैया, मुझे भैया वाला कोई गाना गाओ दीदी। भैया वाला, तेरी उंगली पकड़ के चला। नहीं, ये तो माँ वाला गाना है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं शूट पे आ चुकी हूँ, बहुत भागा दौड़ी आज भी। आज ये वाला गेटअप है। आज मैं क्या बनी हूँ मुझे खुद नहीं पता, शायद अनारकली टाइप बनी हूँ। ओह माय गॉड, वाओ। ये हमारी जूरी के एक मेंबर यहाँ पे घूम रहे हैं और मुझे कह रहे थे कि भारती बहुत अच्छी लग रही हो। मैं हरामी हूँ बेटा। एक्चुअली ये बात होती है सर, मांगे हुए कपड़ों में हम बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों सर? है ना, अपना है। आपका अपना है? ओहो, मेरी बेइज्जती हो गई फिर। सो दोस्तों, आज मेरी फिर से वही वैनिटी है और 4 बजने वाले हैं। हमारा थोड़ी देर पहले लंच ब्रेक हुआ है और ये है नूर और उसकी दोस्त चूर। कोई सेंसेस बात की? मेरे को वैसे घर में नींद नहीं आती दोस्तों, पर शूट पे जैसे ही ब्रेक होता है, खाना खाओ, रिलैक्स हो, नींद आने लग जाती। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे बोल दे, भारती जी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, 1 घंटा सो जाओ। तो मैं उसको जवाब भी ना दूँ कि ओके, मैं ऐसे करके सो जाऊँ। जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो और चले हम घर, क्योंकि बहुत सारी पैकिंग करनी है। जा रहे हैं हम कहीं पे, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी, ठीक है? बहुत पैकिंग करनी है। तो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने आपको शूट पे बताया था कि मुझे जाना है, मेरी कहीं पे फ्लाइट है। सो पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है, ये तो हर्ष का है। कहाँ जाना है सुबह बताती हूँ, एयरपोर्ट। तो गाइज, अभी मैंने आपको बाय बाय कह दिया था, मैंने कहा था कि एयरपोर्ट जाके बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको सही टाइम बताती हूँ, टाइम क्या हुआ है। टाइम हुआ है 5:02। रात भी दिखा देती हूँ। सो गाइज, हमको उठना है, हमको सोना भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमको ये नहीं पता चल रहा कि हम सोए के उठें, क्योंकि पंजाबी तो कहेंगी कि अगर सो के उठो ना तो मुंह इन्ने पैड़े हो जाते हैं ना, मतलब ऐसी शक्लें हो जाती है, डड्डू जैसी मेंढक जैसी, ऐसी एयरपोर्ट पे। सो बर्तन धोने की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। सो जाओ, उठना है 1.5 घंटे बाद। दीदी, सो के मतलब नहीं, सर पकड़ लेगा 1 घंटे की नींद। कौन पकड़ लेगा सर? ऐसी किसी की हिम्मत है कि भारती सिंह के घर आके आपका कोई सर पकड़ ले? मैं दम तो फक्त बाजीराव सिंह का। दोस्तों, हमारी हंसी निकली जा रही है क्योंकि वक्त हो गया है सोने का और थके हुए बहुत ज़्यादा, तो फिर ऐसा ही होता है। सो चलिए, 3:30 बजे उठने हैं और एयरपोर्ट पे मिलते हैं और फिर बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना दीदी? हाँ। ये अभी सीक्रेट है, अभी बता नहीं रहे हम। नहीं, अभी सीक्रेट है ना। हाँ। आए। सो मैं बोल रही थी आपको, मैंने बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बता देती हूँ कहाँ, मैं आ गई हूँ वापस अमृतसर। सो गाइज, अमृतसर में आ गए, मैं लैंडिंग भी टाइम पे करवाई ताकि कुलचे बनने शुरू हो गए हो। सो अभी हम जा रहे हैं, गोला भी तैयार हो चुका है, लगेज आ चुका है, अब हम जा रहे हैं, ठीक है? सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपनी फेवरेट प्लेस यानी कि कुलचा खाने, वही वाले पाजी के पास जिनके पास पहले खाया था। हेलो पाजी, पाजी की हाल है? बहुत बढ़िया, मेरा वेट किया, मेरा इंतज़ार था ना, मैं आ गई। मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे छोटी सी पार्टी और गेस्ट ने आना है और मैं दिखाना। संगीता दीदी इधर आओ, ये देखो, ये औरत है वो, ये देखिए, ये पागल औरत। ये हम मुंबई से चले, यहाँ दिल्ली आया, हम रुके नहीं, हम सीधा अमृतसर आए। पैर दीदी, ये कोई मन्नत थी आपकी कि अमृतसर जाऊंगी तो नंगे पांव घूमूंगी? दीदी जी, दीदी जी। तन में भी कुछ अपनी बहन दीक्षा को कहना चाहता है। यस दीक्षा, ओ तन्मय,
देखो जीन्स फटी हुई बेचारी की हाइट छोटी है ना इसलिए हीट पहनी। तो पता नहीं यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। मुन्ना इधर आ, दीदी का तो आपने देख लिया, मुन्ना का भी देखना और उसको मेरा दीक्षा सबका। मुन्ना आजा, मुन्ना चल 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 दिखा, पैर दिखाओ नीचे से। अच्छा हमको सिखा रही है, जितने साफ है अब ये मत डालना। दिखा दिखा दिखा। तो आज फिर इस पे मेकअप करी, ये वाले मुंह पे इधर ना करी। तो अभी हम बाहर बैठे हुए हैं अपने घर में और एक कंपटीशन करेंगे हम। वो बोल के नहीं बता सकती, करके बता सकती हूँ। सबको करना पड़ेगा जो यहाँ पे बैठे हैं। ऊपर आपको ऐसे बैठना है। ये करना है आपको, आइए सांस करेंगे। अरे अलग हाथ चेंज करो, अरे हाथ चेंज करो, हाथ चेंज करो। चलो दीक्षा, मेरे को पता नहीं है। हाँ नहीं, इधर से इधर। क्या? मुझे पता नहीं है, मैंने रुको एक मिनट। ऐसे फिर क्रॉस दूसरा, ऐसे ऐसे ऐसे। प्यारी समझ गई। चलो पीछे मेरे घर करो भाई, तू गलत थी बीच में। वाह हुआ। सरगम पा लिटिल चैंप। चलो ये एक जैसा ही लग रहा है सब। अरे और इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, ऊपर देखो। गुड मॉर्निंग, जैसे कि आपको पता मैं अमृतसर में हूँ और मैं अमृतसर में क्यों आई हूँ इसकी एक वजह है, वो मैं आपको बता दूँ अभी अभी बता देती हूँ। चलो वैसे तो मैं वैसे ही आ रही थी क्योंकि मेरी थोड़ा शूट में छुट्टियां थी 10 दिन की, तो मैंने बोला चलो अमृतसर चलते हैं और मौसम भी अच्छा है। बट अब जब मैं आई आने वाली थी तो घर वालों ने कहा चलो ये कर लेते हैं, तो मैंने बोला चलो कर ही लेते हैं। सो मैं बता देती वो क्या कर लेते हैं। वो है आज है हमारे गोले का अन्न पराशन, क्योंकि गोला अभी 7th मंथ में चल रहा है। सो हमने सोचा कि अभी कर देना चाहिए, तो आज एक छोटा सा हमने फंक्शन रखा है। पहले पूजा होगी, देन उसके बाद हम उसको अनाज खिलाएंगे और बस इसको कहते हैं अन्नपराशन, और मतलब अन्न खिलाना बच्चे को फर्स्ट टाइम वैसे वाला। ओ गाइस क्या था, हाय गाइस, पूजा हो गई, अन्नप्राशन हो गया, अब सब अपना अन्नप्राशन कर रहे हैं। ये देखिए मम्मी, तो देखो स्माइल मम्मी, देखो मम्मी होती रहे, ऐसी पार्टियां होती रहे, ऐसे गिफ्ट्स मिलते रहे। ओ गॉड, फोटो सेशन हो रहा, पसीने में पसीना आ रहा है। लेकिन वो होता है ना कि फर्स्ट टाइम कोई मिलता है और उनको होता है कि चलो फोटो खिंचाएं, तो इसीलिए बाहर वालों को गुस्सा कर सकते, घर वाले तो और ही ढीठ होते हैं, उनको कुछ कह ही नहीं सकते। बाहर वालों को तो फिर भी कह सकते, प्लीज गाइस थोड़ी देर रुक जाइए। घर वाले तो हमारे तो फैमिली में वैसे भी काफी बदतमीज लोग हैं और ढीठ लोग हैं, तो खिंचवा। ये है दिल्ली से गाइस। आज वक्त बदल चुका है, पहले ये लड़की कहती थी मैं सुंदर हूँ, आज इसकी जुबान आ गई है। हाँ जी हाँ। चोखी क्या? चोखी, चोखी मींस चश्मिश, चोखी मींस चश्मिश है, चोखी मतलब चश्मिश। दीक्षा दीदी अब सुन नहीं रही, इग्नोर कर रही है। चौकी ठीक है, फिर मतलब चौकी ना, ये मेरी सास को कह रही थी उसको बुलाओ चौकी कह के। चौकी भाई, आंटी कहते चौकी। क्या हो रहा है दीक्षा की छेड़, पता क्या है हर्ष? क्या चौकी? तो चौकी चश्मे वाले को बोलते, हर्ष बेचारे को लेके आप ये बोल रहे
मैं चौकी नहीं हूँ, मैं चोखा हूँ। दिन की पार्टी खत्म हुई है, अब बारी है रात की पार्टी की। और ये मेरा लुक है। और गाइस मेरे से एक ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। रहने दे भारती, अभी इसका तमाशा नहीं करना दुनिया में। अभी तूने की है, मैं बताती हूँ गलती क्या है। प्लीज सॉरी 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 यार। की है वो की है भारती, अब मैं उसका तमाशा नहीं बनाना चाहता दुनिया के सामने। नहीं पता क्या गलती हुई। अभी तक सब नॉर्मल ही है, ट्विस्ट अब निकलेगा। ये करता है कोई ऐसा? हेलो, गुड मॉर्निंग। दो दिन से हम फुल पार्टी कर रहे हैं, गोले का अन्नप्राशन भी हो गया, बहुत मज़ा आया। और कल हम रात को 3 बजे सोए, इसीलिए मैं वीडियो का एंड नहीं कर सकी, इसलिए मैंने बोला सुबह एंड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लो और खूब इंजॉय करो हमारे वीडियो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आवाज़ कहाँ गई? हाँ, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।